मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण श्री शंकरन्न धोंडगे जी, हमारे बीजी देशमुख जी, श्री भगीरथ बालके जी, श्री हरिभाव राठौड़ जी, घनश्याम जी, कदीर मौलाना जी, भानुदास मुरकुटे जी और महाराष्ट्र बीआरएस के प्रभारी श्री वंशीधर राव जी, मेरे मित्र और महान व्यक्ति अन्नाभाव साठे के पोता श्री सचिन साठे जी, अन्नाभाव साठे के जो वारिस है सावित्रीबाई साठे जी, गणेश जी, आज सचिन साठे ने मुझे ऐसा मौका दिया। जीवन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, कहीं सभा में जाते हैं, कहीं जगह भाषण भी देते हैं। मैं सबसे पहले यहां इस मंच से महाराष्ट्र के पावन धरती को सर झुका के प्रणाम करता हूं और वाटे गांव जो एक महान व्यक्ति अन्नाभाव साठे को जन्म दिया है उनके जन्मस्थल को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज बड़ी प्रसन्नता मिली है सचिन भाव साठे के तरफ से, आप सभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अन्नाभाव साठे, उनके जो तड़प, जो कविताएं, सारे समाज के लिए शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए ही था। सोशलिज्म के तरफ भी उनका रुझान था। संयुक्त महाराष्ट्र के मोर्चा के आगे भी वो चले, बहुत बड़ा सम्मानित कवि भी थे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया लोक शायर। ये बहुत कम लोगों को मिलता है, शायर तो कई होते हैं लेकिन लोक शायर जो लोगों के लिए, खास तौर पर जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, बॉटम लाइन में है, उनके लिए लिखने वाले गाने वाले कम होते हैं। लेकिन अन्नाभाव साठे ने कभी पीछे नहीं हटा, इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है। रशिया जैसा एक महान देश अन्नाभाव साठे को पहचाना लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना। उन्होंने पहचाना और खास यहां के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया भी बुला लिया, सम्मानित किया और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्नाभाव साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है मां, हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा। उस मां के नाम का जो नावल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, हर देश में उसका उपलब्धि है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्नाभाव साठे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है, भारत के मैक्सिम गोर्की। इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए, पीड़ित के लिए अपनी कलम से काफी लिख चुके हैं, काफी कह चुके हैं, काफी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उनके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। सचिन भाव मेरे पास जब आए थे मेरे साथ राजनीति का काम करने की इच्छा लेकर के, कुछ किताब मुझे दिए थे जो अन्नाभाव साठे के लिखे हुए थे। मैंने पूछा तो मराठी में, भाई मैं मराठी नहीं समझ सकता, कुछ अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन आएगा, कहीं नहीं मिला। मैं अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कम अब तो जागे, अन्नाभाव साठे जिस प्रकार का रचनाएं उन्होंने पेश किया है दुनिया के सामने, देश के सामने, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है,
सार्वजनीन होती है, सारे दुनिया के लिए उसमें से ज्ञान मिलता है, एक भारत के लिए नहीं, सार्वजनीन होते हैं। इसको जो भी है मुख्यमंत्री जी शिंदे जी से, उनके मंत्रिमंडल से मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम अभी अन्ना और साठे के जितने भी रचनाएं हैं उसके पूरी हिंदुस्तान के भाषाओं में ट्रांसलेट करवाए, अंग्रेज में भी ट्रांसलेट करवाए, और वो आगे बढ़े ताकि दुनिया को अन्ना भाव साठे का गरिमा मालूम हो। और इसके बाद में मातंग समाज, जो हमारे भारत देश का मूल वासियों का समाज है, ये मेरा शब्द नहीं है, मातंग समाज का महत्व और मातंग समाज का परंपरा आज से नहीं है, ये मातंग महामुनि के वंशज है। मातंग महामुनि जब श्यामला देवी के गान गा रहे थे तो माता ने उनके गर्भ में जन्म लिया, और उनके लिए महाकवि कालिदास श्यामला देवी का स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होंने खुद लिखा है, ये कविता मेरा नहीं है, महाकवि कालिदास कवि का कहा है कि माणिक्य वीणा मुपलालयंतीम मदालसाम मंजुल वाग्विलासाम महेंद्र नीलज्युति कोमलांगीम मातंग कन्याम मनसा स्मरण। ये कालिदास जी का कहना है, यानी कि मातंग समाज का जो प्रतिष्ठा, जो गरिमा, उनके प्रति गौरव, ये भारत का पुराण और इतिहास का ये परंपरा में भी शरीक है। सचिन बाबू साठे जिस प्रकार का मुझे वहां हैदराबाद में भी बताया, अभी मंच पर भी बता रहे थे कि इनका आदर नहीं होता है। अब अन्ना भाव साठे जैसा महान पुरुष, महान व्यक्तित्व का आदर नहीं होता है तो आपका क्या आदर होगा? होगा ही नहीं। देश ऐसा है हमारा, जब तक हम आवाज उठा के जोर से चिल्लाते नहीं तब कोई सुनने वाला नहीं। इस देश में देश का आदत ऐसा पड़ गया है। मैं एक बात का एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं आप सभा के सामने, और आप सभी सहमत हो आपके तालियों से इसका समर्थन कीजिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं, अन्ना भाऊ साठे का रचनाओं का, उनका व्यक्तित्व का प्रतिष्ठा करना, पूरे देश में जागृत, दुनिया में जागृत करने का प्रयास करना, ये हमारे देश का गर्व होता है। अन्ना भाव साठे इस भारत का एक महान पुत्र है, उनको रेस्पेक्ट देना, हमारा रेस्पेक्ट बढ़ता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी काम करे और अन्ना भाव साठे का नाम का भारत रत्न टाइटल देने के लिए महाराष्ट्र सरकार नॉमिनेट करके भेजे। और यहां के मुख्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूं कि हम भी, तेलंगाना सरकार भी अन्ना भाव साठे का नाम भेज देते हैं दिल्ली को। मैं खुद भी प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि मैं खुद यहां आया हूं आटे गांव में, देख चुका हूं, आपका जोश भी देख रहा हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना है तो ये है बात, अगर आप सहमत हो मेरे बात से, सभा एकजुट होकर एक मुट्ठी से तालियां बजाएं और इस प्रस्ताव को पारित करें। आप लोगों का धन्यवाद। और ये प्रस्ताव बना के मैं माननीय देशमुख जी को, शंकरन्ना दोणगे जी को प्रार्थना करूंगा, इस प्रस्ताव को जरूर बना के लाए और हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी के साथ इसको भेजते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं अनुरोध करता हूं, अन्ना भाव साठे को आइडेंटिफाई करना, उनका सम्मान करना, उनको सम्मानित करना, ये देश का सम्मान होगा, कुछ और नहीं होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करता हूं कि अन्ना भाव साठे को भारत रत्न टाइटल देना चाहिए, वो बिल्कुल इसलिए एलिजिबल है, ये हमारे भावना है।
और अन्ना भाव साठे का काम है, मैं कितना भी कहूं कम है, कल ये टाइम तक भी कह सकते हैं उनकी प्रेर सम्मान में। लेकिन ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सचिन ने आपके सामने जो रखा है, मातंग समाज का सही आदर नहीं है महाराष्ट्र राज्य में, ये मैं भी जानता हूं। एमएलएस में, एमपीस में, यानी कि आमदार खासदार में, कुछ अन्य चीज़ों में जो पोजीशन मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, सही नहीं मिल पा रहा है, ये आप लोगों का तड़प है, मैं समझ गया हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब कभी ऐसी वक्त आता है, मातंग समाज को नजरअंदाज नहीं करेगा बीआरएस पार्टी, और मातंग समाज को साथ लिए चलने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। मैं और डिटेल्स सचिन बाबू से ले लूंगा, कहाँ कहाँ किस जगह हम अपने प्रतिनिधि बना सकते हैं, जिनको आमदार खासदार बना सकते हैं, पूरा लेऊंगा। और मैं सच्चे दिल से, नियत से कहता हूं, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ताकि आपको सही जगह मिले, पहले जैसा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ये मेरा आपके साथ आश्वासन है। आज इस सभा में आकर आज सभी से मिलने का, आपसे दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं सचिन साठे का, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है आने का। फिर एक बार आप तमाम भाइयों को, बहनों को प्रणाम करते हुए मैं सचिन बाबू साठे को धन्यवाद देते हुए अपने शब्द को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय अन्ना भाऊ साठे, जय महाराष्ट्र, जय भारत, धन्यवाद।